तो हम लोग का ये जो इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 3 तक में हम लोगों ने जो भी किया था, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग जो बात किए थे उसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, है ना। तो आज जो है कुछ क्वेश्चन आज भी है। पहले हम लोग क्वेश्चन को ही करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। तो इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू नेशनल इनकम, है ना। तो सबसे पहली बात, ये नेशनल इनकम का बात किया जा रहा है। तो नेशनल इनकम में क्या होता है, हम लोग को ये ध्यान रखना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना, किस पे, तो फैक्टर कॉस्ट पे। बस इतना ही बात हमको याद रखना है, यही हमारा क्या होता है, तो नेशनल इनकम होता है, है ना। यही चीज हमारा क्या होता है, नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें डायरेक्ट यहां पे क्या है, सबसे पहले तो इलिमिनेट करना सीखेंगे कि जीडीपी का बात इसमें होता नहीं है, फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का भी बात नहीं होता है। फिर अब ये दोनों तो ऐसे ही इलिमिनेट हो गया, अब बचा यहां पे दो। अब दोनों में देखिए, दोनों में यहां पे ऑप्शन एनएनपी दे रखा है। अब यहाँ पे अगर पूरी क्लियर हमारे पास अगर ये नॉलेज नहीं है नेशनल इनकम में, कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है वो फैक्टर कॉस्ट पे, तो यहाँ पे मेनली ये कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे दे रखा है, ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अब यही दोनों में क्या होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो जब कंफ्यूजन में कभी हमें ये लगने लगता है, कभी ये लगने लगता है, लेकिन हमें कन्फर्म क्या रखना है कि फैक्टर कॉस्ट, बस। तो इससे क्या हो गया, ये ऑप्शन इस तरह से खत्म हो गए। तो बचा क्या, तो इस तरीके से पहले ऑप्शन को इलिमिनेट करते जाएंगे, है ना, उसके बाद इस तरह से हम लोग को अपने आंसर पे पहुंचना है। तो ऐसे तो खैर ये चीज इतना ही बता दे रहा था, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट हम लोग इस यहां तक पहुंच रहे थे। ये हो गया। इसके बाद लेजेस फेयर क्या बात हम लोगों ने किया था फ्री मार्केट में, है ना। तो ये बोल रहा है कि जो फिलॉसफी है लेजेस फेयर का, ये किससे एसोसिएटेड है,
तो गांधीयन वाला कहीं वहां पे बात हम लोग देखे नहीं थे, इसलिए इलिमिनेट कर दीजिए। सोशलिस्ट वाला बात जो होता है वो यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का बात कर रहा है। लेजर्स फेयर में बिल्कुल फ्री मार्केट होता है, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल यहाँ पे जीरो होता है। तो गवर्नमेंट का काम वेलफेयर होता है, इसलिए वेलफेयर स्टेट भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि प्राइवेट में आता है आ गया। फ्री स्टेट का मतलब प्राइवेट का कंट्रोल होता है, तो इंडस्ट्रियल स्टेट, इंडस्ट्रीज जो होता है वो प्राइवेट में आता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि जो लेजर्स फेयर का जो फिलोसफी है, ये इंडस्ट्रियल स्टेट से जुड़ा हुआ है। तो ये है। फिर इसके बाद नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय, है ना। तो जो हमारे इंडिया में नेशनल इनकम का एस्टिमेट है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? तो प्लानिंग कमीशन नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी नहीं, तो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, इसके द्वारा क्या किया जाता है? तो ये एस्टिमेट बनाया जाता है। इसलिए ये क्या हो गया, सी सही है, नेशनल स्टैटिकल इंस्टीट्यूट नहीं होगा। तो ये हम लोगों का जो क्वेश्चन था, जिस तरीके से हम लोग अभी तक पढ़ाई किए थे उसके बेसिस पे हम लोगों ने क्वेश्चन को यहाँ पे देखा, और इसी तरीके से हमारे यूपीएससी में ये सारे क्वेश्चन पूछे भी गए इस तरह से, है ना। तो अब इस तरह से हम लोग का जो कंसेप्ट है जीडीपी, है ना, जीडीपी, जीएनपी, और इसमें डिप्रिसिएशन वाला बात जो है वो माइनस कर देते हैं। यहाँ पे माइनस है ना। जब डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, नेट लग जाता है। बाकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट वही रहेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सिर्फ यहाँ पे आगे में क्या लग जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी तरह से जीएनपी है, तो जीएनपी में डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट पे, एनएनपी बन जाएगा। डिप्रिसिएशन करने का मतलब यहाँ पे हम लोग नेट वाली बात याद रखिए, नेट पे पहुंचते हैं। बाकी जो नेशनल प्रोडक्ट है तो नेशनल प्रोडक्ट होगा यहाँ भी और यहाँ भी। अब जीडीपी में हम लोग क्या मैटर करता है, यहाँ पे जीडीपी में हम लोग क्या देखें कि ये जो हमारा इंडिया है ना, तो हमारे इस बाउंड्री में जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, है ना, इसका गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी वैल्यू आएगा मॉनेटरी फॉर्म में, मतलब मनी के फॉर्म में, है ना, एक साल में, तो अब यहाँ पे बनाने वाले कोई भी होते हैं, या तो हमारे देश के हों या तो हमारे देश के बाहर के हों, लेकिन बनना बन रहा है हमारे टेरिटरी में, है ना। तो ये सारे को यहाँ पे जोड़ने के बाद जो भी मॉनेटरी वैल्यू आता है वही जीडीपी होता है। और जीएनपी में क्या होता है कि हमारा नेशनल, हमारा इंडियन जो है वो कहीं भी जाकर क्या कर रहा हो, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा हो, उसका टोटल एक साल में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो क्या होता है मॉनेटरी वैल्यू आता है वो जीएनपी होता है। बाकी डिप्रिसिएशन इसे माइनस कर देते हैं, एनएनपी बन जाता है और एनडीपी बन जाता है। खैर ये सब तो हम लोग बात कर चुके हैं अपनी क्लास में, है ना। अब इसका हम लोग क्वेश्चन भी बना लिए हैं। तो अब हम लोग का आगे का जो बात है कि जीडीपी जो कैलकुलेट किया जाता है ना, ये भी हम लोग देखे थे कि दो तरीके से जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है, एक फैक्टर कॉस्ट पे, एक मार्केट प्राइस पे। तो फैक्टर कॉस्ट में हम लोग देखे थे कि गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे तो ये जो इंडस्ट्री है ना, ये मान लीजिए इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री के गेट तक का ही बात चलता है इसमें फैक्टर कॉस्ट में। अब इस इंडस्ट्री से फिर बाहर निकलकर जब मार्केट में आ जाता है तो इसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है फैक्टर कॉस्ट पे और मार्केट प्राइस पे। तो अब यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है कि दो बात ध्यान रखना होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स, एक क्या होता है तो इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, और दूसरा क्या होता है तो सब्सिडी होता है। अब यहाँ पे हम लोग को इस पे ध्यान देना रहेगा, फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता है, तो जहां पे नहीं लगेगा वहां पे क्या कर देंगे, माइनस, है ना।
और जहाँ पे सब्सिडी यहाँ पे मिलता है इसको गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट में क्या हो जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाता है, नहीं लगता है, और सब्सिडी में क्या होता है कि यहाँ पे ऐड हो जाता है। मार्केट प्राइस में क्या होता है कि यहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्स वो ऐड होगा और सब्सिडी जो है माइनस होगा। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए हमें मालूम है कि जीडीपी एक फैक्टर कॉस्ट है, तो इसका मतलब है इससे हम लोग को क्या निकालना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इसमें क्या करेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स जो भी ये फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी है, तो इसमें क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स अभी नहीं इम्पोज हुआ है, तो जब ये मार्केट में हम लोग निकालने जा रहे हैं, इसका मतलब ये चीज मार्केट में आ गया, तो इनडायरेक्ट टैक्स इसमें ऐड हो जाएगा। अब सब्सिडी क्या हो जाएगा, जो मिला था वो सब्सिडी को घटाना होगा, तब जाकर हमारा क्या निकलेगा कि गुड्स, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये ध्यान देना रहता है, ये चीज हो गया। इस तरीके से अब हमें मालूम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, है ना। तो मार्केट प्राइस जहां पे आ गया, इसका मतलब है कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्स लगा होगा, तो इसको माइनस कर देना है, क्योंकि हमें फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट टैक्स को हटाना होगा। तो घटा देंगे तो हट जाएगा, और सब्सिडी क्या है कि उसमें ऐड रहता है, तो सॉरी, ये सब्सिडी इसमें क्या होता है कि सब नहीं रहता है, तो हमें इसमें सब्सिडी क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो ये है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, से हम लोग को जीडीपी एट मार्केट प्राइस में पहुंचना रहता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ते हैं और सब्सिडी को घटाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हम लोग को जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में पहुंचना रहता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्सिडी को जोड़ना पड़ता है। तो ये है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे कैसे हम लोग को पहुंचना होता है, ये कंसेप्ट है। अब हम लोग आगे का जो बात करने वाले हैं वो क्या है कि जो जीएनपी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है कि हमारा जो जीडीपी है वो तो होता ही है, प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, जो भी बाहर से पैसे आ रहे हैं हमारे देश में, है ना, मतलब हमारे जो इंडियन बाहर में काम कर रहे हैं ना, वो जो अर्न करके आ रहा है वो चीज। तो जीडीपी और प्लस में नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड को क्या बोलते हैं, जीएनपी। अब ये नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड मतलब क्या होता है कि यहाँ पे नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड का मतलब यहाँ पे होता है कि जो फॉरेनर हमारे देश में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और प्लस हमारे जो इंडियन हैं वो बाहर में जो काम कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज क्या करना होता है, यहाँ पे माइनस करना होता है, क्योंकि कुछ इस जीडीपी में फॉरेनर भी हैं, फॉरेनर जो अर्न किए उनका भी पैसा इसमें ऐड हो जा रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो बाहर में, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हमारे इंडियन है ना, यहाँ पे जो हमें अर्न कर रहा है, बाहर से जो अर्न कर रहा है वो, जैसे कि हमारे इंडियन जो है 10 रुपया बाहर से कमा कर ला रहे हैं, है ना, बाहर काम करके इंडिया में भेज रहे हैं, और हम फॉरेनर जो है हमारे के यहाँ से 2 रुपया कमा रहा है, इसका मतलब है कि 8 रुपया क्या है वो नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड से आ रहा है। तो ये चीज है यहाँ पे, इसलिए जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड बोलते हैं जीएनपी को। तो नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड का मतलब होता है इनकम बाय रेसिडेंट ऑफ इंडिया अर्न फ्रॉम एब्रोड, तो जो इंडिया का रेसिडेंट है वो बाहर से कमा रहा है। सो जैसे यहाँ पे 10 रुपये का बात किए, और माइनस इनकम बाय फॉरेनर अर्न फ्रॉम इंडिया। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि माइनस करना है, सिर्फ दोनों में सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो दोनों को घटाएंगे, जो भी मिलेगा वो चीज आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा, इस तरीके से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है कि जो हम बाहर से हम अर्न कर पा रहे हैं वो, और माइनस कर दीजिए जो हमारे के यहाँ से फॉरेनर अर्न कर रहे हैं दोनों को। तो जैसे अभी यहाँ पे देखिए कि जीडीपी 100, अगर इंडियन का बात करें 120, है ना, इंडियन जो है वो 120 का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, और जो फॉरेनर है वो हमारे देश में 100 रुपये का कर रहा है। इसका मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा जीडीपी हो जाएगा, क्योंकि इंडियन और फॉरेनर को मिला के जीडीपी होता है।
120 अब प्लस 100, 220 हो गया हमारे देश का जीडीपी, है ना। अब हमारे जो इंडियन हैं वो एब्रॉड में मतलब बाहर में काम करके कितने रुपया ला रहे हैं, तो ये 50 रुपये। तो ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है कि जीएनपी के बात करना है ना। तो जीएनपी में क्या होगा कि हमारा यहाँ पे जीडीपी 220 हो गया है ना। उसके बाद जो फॉरेनर जीडीपी हमारा कितना हो गया 220, और फॉरेनर जो है ये फॉरेनर कितना अर्न किए हैं यहाँ पे 100, है ना। उसके बाद फिर हमारे जो इंडियन है वो अर्न कितना किए बाहर से, तो 50 ऐड करेंगे। तो हमारा जो जीडीपी अपना है वो, और बाहर से जो आ रहा है वो, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270, है ना। कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग माइनस करके। तो ये चीज हो गया, ये शायद यहाँ पे ये गलत डाटा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें घटाएंगे तो -50, मतलब कि 170 होगा ना। ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे एज ए फॉर्मूला पे भी ये जो जीडीपी है नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड वाले में यहाँ पे आ जाता है। क्योंकि देखिए ये जो जीडीपी में हमारा यहाँ पे फॉरेनर का जुट रहा है, फिर वही फॉरेनर का माइनस कर दे रहे हैं वापस, ठीक है ना। तो 120 ये हो गया और 50 ये हो गया हमारा, ये 120 और ये जो 50 है, यही हमारे क्या है अपना जीएनपी है। तो 170, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जीडीपी माइनस फॉरेनर जो अर्न किया वो, और इनकम फ्रॉम एब्रोड वाला जो बात है वो आएगा। तो 170 क्या हो गया, जीएनपी आ गया। तो ये है जीएनपी का कंसेप्ट। अब इसके बाद क्या है कि हम लोग ग्रॉस में से जब डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, है ना, तो हमें क्या मिलता है, नेट वाली बात आता है। जैसे यहाँ पे क्या था, जीडीपी है ना, तो इस जीडीपी में डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो ये ग्रॉस है ना, तो क्या आ जाता है, एनडीपी आ जाता है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे तो हमें ये ध्यान में रखना है, नेट आता है। इसी तरह से अगर हम लोग जीएनपी का बात करें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, इसमें डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो क्या आता है, नेट तो आएगा ही, और फिर एन पी, नेट नेशनल, नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना। तो ये चीज हो गया कि ग्रॉस में से डिप्रेसेशन माइनस करते हैं तो नेट आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब इसके बाद क्या है कि ये यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस का बात कर रहा है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या होता है कि मार्केट प्राइस से तो ध्यान रखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, अब सब्सिडी जो है वो माइनस हो जाएगा, और बाकी ये जीडीपी एड फैक्टर कॉस्ट होगा। ये चीज हो गया। अब इसके बाद तीन कोई सेक्टर था इकोनॉमी का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये चीज हम लोग जो पढ़े हैं उसको एज ए क्विक रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, थोड़ा समय के लिए। तो अब क्या है यहाँ पे देखिए कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में हम लोगों ने बात किया था कि कैपिटलिस्ट होता है, सोशलिस्ट होता है, मिक्स इकोनॉमी होता है, सब हम लोगों ने बात कर लिया है। ओपन और क्लोज इकोनॉमी होता है, फ्री मार्केट, लेजर्स फेयर वाली बात अभी जो है वो बात की है, फिर प्लांट इकोनॉमी, ये चीज है। अब आप यहाँ पे मेनली जो हम लोग इस क्लास में मेनली करने वाले हैं वो क्या, कि जो रियल जीडीपी है और नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी बोलते हैं जीडीपी एट बेस प्राइस, है ना, जो बेस प्राइस पे हम लोग जीडीपी को फाइंड आउट करते हैं वो हमारा रियल जीडीपी होता है। और जो हम लोग करंट प्राइस पे वर्क करते हैं, जो करंट प्राइस पे हम लोग जीडीपी निकालते हैं वो क्या होता है, तो नॉमिनल जीडीपी होता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि इन्फ्लेशन
एडजस्ट किया जाता है, इन्फ्लेशन यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जाता है रियल जीडीपी में, और नॉमिनल वाले में इन्फ्लेशन भी क्या रहते हैं तो एडेड होता है, यहाँ पे इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता है नॉमिनल जीडीपी में, इसलिए बोला जाता है करेंट प्राइस पे जो हम लोग निकालते हैं जीडीपी वो नॉमिनल जीडीपी होता है, और जो बेस प्राइस पे निकालते हैं वो क्या होता है, एक हम लोग साल को किसी साल को मतलब एक बेस मान लेते हैं, उस साल में जितना भी रहता है रेट उस चीज का, उसी रेट पे हम लोग क्या करते हैं उसका निकालते हैं, चाहे तो हम लोग 5 साल आगे बढ़ जाए चाहे 6 साल आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हम लोग जो जीडीपी निकालेंगे वो इसी बेस रेट पे है ना, तो ये रियल जीडीपी होता है और ये नॉमिनल जीडीपी हो गया। जैसे कि अभी हम लोग समझने की कोशिश करें यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे एक बुक है या फिर इस बुक का प्राइस है वो 210 रुपया है ना, और टोटल 20 बुक प्रिंट हुआ है, इसका मतलब जीडीपी कितना हो जाएगा, एक बुक का अगर 10 रुपया है तो 20 बुक का कितना हो जाएगा 200 रुपया, मतलब अभी का जीडीपी का बात करें हम लोग को तो कितना हो गया 200 हुआ। इसी तरह से अगर आने वाला दिन में या कल के दिन में इन्फ्लेशन क्या हो गया, बढ़ गया है ना, तो बुक का प्राइस कितना हो गया, जो 10 रुपया था 15 रुपया हो गया, तो अब जो है यहाँ पे 20 बुक को प्रिंट करेंगे तो जीडीपी कितना हो जाएगा 300 रुपया है ना, जब इन्फ्लेशन नहीं था, इन्फ्लेशन बढ़ा नहीं था मतलब महंगाई नहीं था तब 10 रुपया था है ना, लेकिन जब महंगाई बढ़ गया तो इस बुक का दाम हो गया 5 रुपया बढ़ गया, तो फिर 100 रुपया बढ़ गया, इसका मतलब 300 हो गया है ना, मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 100 रुपया का ग्रोथ हुआ है, लेकिन ये जो 100 रुपया का ग्रोथ हुआ है ये रियली में ऐसा नहीं हुआ है, बट एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है कि इन्फ्लेशन बढ़ा है ना, ग्रोथ नहीं बढ़ा है, वो क्या है तो महंगाई हो गया है, महंगाई बढ़ा है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, लेकिन जो गुड्स है वो जितना था उतना ही प्रोड्यूस हुआ है, पहले भी 20 बुक ही प्रिंट हो रहा था और अभी भी क्या हो रहा है 20 ही प्रिंट हो रहा है ना, पहले हो रहा था 200 रुपया में लेकिन अभी कितना हो रहा है 300 रुपया में, तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, देखने में लग रहा है कि 100 रुपया का ग्रोथ हुआ है लेकिन रियली में ग्रोथ नहीं हुआ है, क्या हुआ है तो सिर्फ महंगाई बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी 20 बुक ही प्रिंट हो रहा था और अभी भी 20 ही बुक प्रिंट हो रहा है ना, इसका मतलब है कि ग्रोथ नहीं हुआ है, क्या हुआ है तो महंगाई बढ़ा है ना, इन्फ्लेशन सिर्फ बढ़ा, तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो दिख रहा है एक्चुअली में वैसा हुआ नहीं है, ग्रोथ दिख रहा है कि हमें यहाँ पे 100 रुपया का हुआ है, लेकिन इंक्रीज तब होता जब ये हमारा बुक का भी नंबर बढ़ता प्रिंटिंग का है ना, 20 से 25 होता है, 20 से 30 होता है, तब समझते क्या हुआ है कि ग्रोथ हुआ है, उतना में क्या हो पाया है तो 25 बुक प्रिंट हो पाया है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि सिर्फ इधर पैसे वाले पार्ट में इंक्रीजमेंट हुआ, इसका मतलब महंगाई बढ़ा है, तो यहाँ पे क्या है कि विल बी कंसीडर दिस रियल जीडीपी, तो इसको हम लोग रियल जीडीपी मानेंगे नहीं है ना, क्योंकि रियल जीडीपी ये नहीं है, तो ये रियल जीडीपी में कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो अंडर विच अब यहाँ पे क्या है, तो जिसमें हम लोग इन्फ्लेशन पे फोकस नहीं करते हैं है ना, फ्रॉम इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो रहा है तो पैसा बढ़ रहा है, अगर ऐसा काउंट करते हैं तो इस तरीके से क्या होता है, जिसमें हम लोग इन्फ्लेशन पे ध्यान नहीं देते हैं और इन्फ्लेशन की वजह से या इन्फ्लेशन से क्या होता है पैसा बढ़ता है और उसको हम लोग काउंटिंग करते हैं, तो इस तरीके से जो हम लोग काउंटिंग करते हैं ना, ये जो हमारा तरीका है कि इन्फ्लेशन को फोकस नहीं करना और इन्फ्लेशन की वजह से पैसा इंक्रीज होना है ना, और इसी वे में हम लोग क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे काउंट कर लिए 200 से 300 है ना, तो क्या हुआ यहाँ पे मनी में इंक्रीजिंग हुआ, इन्फ्लेशन इंक्रीज किया और इस तरीके से हम लोग काउंट कर लिए, इसको क्या बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी, ये रियल जीडीपी नहीं है, ये कौन सा जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इन्फ्लेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारा महंगाई कितना बढ़ा है ना, तो इट इज नॉट रियल जीडीपी, जो नॉमिनल जीडीपी है वो रियल जीडीपी नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसमें
नो एनी इंक्रीज हैपेंड इन गुड्स, जो सामान है इसमें किसी भी तरह का इंक्रीजमेंट नहीं हुआ। अभी हम लोग देखे कि 200 रुपया में 20 बुक प्रिंट हो रहा था, और अभी जो है अगले 40 का जो बढ़ गया दाम तो 300 हो गया, लेकिन बुक 20 का 20 ही है। इसका मतलब अगर पैसा में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो सिर्फ यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, मतलब सिर्फ क्या हुआ है तो महंगाई आया है, क्योंकि गुड्स में जो था, गुड्स का नंबर पहले भी किताब था 20, अभी भी 20 ही है। कोई भी एक्स्ट्रा बुक का प्रिंटिंग यहाँ पे नहीं होता है, तो इस वजह से हम लोग इसको रियल जीडीपी नहीं बोलेंगे, ये नॉमिनल जीडीपी है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इन्फ्लेशन को ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। और ऐसे ही इन्फ्लेशन को इंक्लूड करते हुए हम लोग सिर्फ क्या कर दे रहे हैं, तो काउंट कर ले रहे हैं कि 300 रुपया हुआ है ना। लेकिन हमें यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि बुक पहले भी उतना ही हो रहा था प्रिंट, अभी भी उतना ही हो रहा है। तो यही चीज है कि सिर्फ और सिर्फ जो सामान है उसका प्राइस बढ़ा है ना, और गुड्स का जो नंबर है वो क्या हुआ, इंक्रीज नहीं किया है। तो ये होता है नॉमिनल जीडीपी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं तो इन्फ्लेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, और इसमें इन्फ्लेशन बढ़ता है और उसी को मिला के, उसी को इंक्लूड करते हम लोग काउंट कर लेते हैं, तो हम लोग को लगता है कि अगले साल 200 था, इस साल 300 हो गया ना। तो हम लोग को दिख लिए नंबर इंक्रीज हुआ दिखता है, तो हम लोग को लगता है कि क्या हुआ, ग्रोथ हुआ है, लेकिन यहाँ पे रियली में ग्रोथ नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ पैसा बढ़ा है। हमारे जो गुड्स है उसका नंबर नहीं बढ़ा है ना, पहले जितना था उतना ही है। तो ये चीज है, तो ड्यू टू दिस, इसके वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो जीडीपी है हम लोग को क्या दिख रहा है, तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट यहाँ पे रियलिटी क्या है कि हम लोग जो है पहले जितना नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे अभी भी हम लोग उतना ही कर रहे हैं। पहले भी 20 कर पा रहे थे बुक प्रिंट, अभी भी 20 ही कर पा रहे हैं, है ना। तो इससे क्या हुआ कि सो इस तरीके से हाउ वी आइडेंटिफाई जीडीपी इंक्रीजिंग और नॉट, तो इससे कैसे हम लोग पता करेंगे जीडीपी जो है वो बढ़ा है या फिर नहीं बढ़ा है, सिर्फ हमारा मनी बढ़ गया, तो ऐसे हम लोग कैसे पता करेंगे कि जीडीपी बढ़ा है या फिर घटा है ना। जब तक ये इसका भी नंबर नहीं बढ़ेगा तब तक हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अब जो है हम लोग जीडीपी को आइडेंटिफाई करने के लिए, रियल जीडीपी को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो क्या करते हैं कि हम लोग एक बेस ईयर को, एक कोई साल को मतलब ऐसा मान लेते हैं, हम लोग फिक्स कर लेते हैं, एक डिफाइन कर लेते हैं कि 2012 या 2013, मतलब कोई भी एक साल को क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं या फिक्स कर देते हैं, और उसी के हिसाब से फिर हम लोग क्या करते हैं तो काउंट करते हैं जीडीपी, तब हम लोग को पता चलता है कि हमारा रियल जीडीपी क्या है ना। तो यहाँ पे क्या करता है कि जो पूरा देश है ना, जैसे पूरा हमारा इंटायर कंट्री इंडिया का बात करें, तो पूरे जितना भी इंडिया कंट्री है ना सब, तो ये पूरा देश क्या करता है, तो एक ईयर को डिसाइड करता है। जैसे मान लिया जाए, हम लोग मान के चले 2017-18 वाला जो साल है उसको मान के चले, एक बेस ईयर बनाते हैं, तो पूरे हमारा ये इंडिया का जो जितने भी यहाँ पे लोग हैं सब लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, है ना। 2017-18 को सब लोग क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे बेस ईयर, है ना। एक साल क्या कर लिए कि एक फिक्स कर लिए, जिस ईयर को क्या कहेंगे, तो अब इस ईयर में हम लोग क्या कहते हैं इसके बाद कि इस ईयर में 2017 और 18 वाले साल में जो भी प्राइस है किताब का, है ना, उसको क्या करेंगे, बेस प्राइस एज्यूम कर लेंगे। जिस ईयर को हमने बेस माना है उस ईयर में जो किताब का रेट है उस रेट को क्या कर लेंगे, तो फिक्स कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा, तो बेस प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि 2017 और 18 वाले साल को बेस ईयर मैंने माना है, तो यहाँ पे बुक्स का जो किताब का दाम था वो 10 रुपया था, तो ये बेस प्राइस बन जाएगा। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि अब मान के चले हम लोग अब कौन सा साल में आ गए हैं, अब किसी भी साल में चले जाए, चाहे तो 2022 में चले आए, चाहे 23 में चले आए, चाहे 24 में चले आए, चाहे 21 में रहे, चाहे
है 22 में रहे, ठीक है। हम लोग का प्राइस क्या रहेगा, या हम लोग जो है काउंट करेंगे किस प्राइस पे, जो बेस ईयर फिक्स किए थे 2017 और 18, इसी प्राइस से हम लोग क्या करेंगे, 2023 में भी काउंट करेंगे, 2024 में भी करेंगे, 2025 में भी करेंगे। हम लोग अपना बेस ईयर से हम लोग को काम करना है ना, उस ईयर में क्या है उसका रेट उससे हमें मतलब नहीं है। हम क्या देखेंगे कि हमारा बेस ईयर का रेट क्या है किसी भी गुड्स का, ऐसा कोई जरूरी नहीं किताब का ही मैं बात कर रहा हूँ, तो पेन का भी अगर ऐसा हो सकता है, एप्पल्स का भी हो सकता है, मोबाइल का भी हो सकता है, लैपटॉप का भी हो सकता है, बैटरी का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हम लोग को प्राइस जो बेस ईयर में था उसी बेस ईयर के प्राइस से ही क्या करना है आज के डेट में काउंट करेंगे, जिस ईयर में भी हम लोग क्या करने वाले हैं जीडीपी काउंट कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज होता है, तो ये इस तरीके से हमारा बेस ईयर बन जाएगा 2017-18। तो अब जो है हम लोग 2000 मान के चले 21 में आ गए हैं, तो 2021 में क्या होगा कि ये जो 10 किताब प्रिंट हुआ है ना, लेकिन इस किताब का दाम 2021 में कितना है, 12 रुपया है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि इस 12 रुपये का हम लोग को प्राइस से मतलब नहीं है, जीडीपी निकालने के लिए, है ना। किससे मतलब है, तो हम लोग किसका प्राइस लेंगे यहाँ पे जीडीपी निकालने के लिए, तो जो 2017-18 में इस किताब का दाम था उसको लेके चलेंगे, है ना। आज कितना रेट है इससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो बेस ईयर है वो क्या माने हैं, 2017-18 है, ठीक है। तो इस ईयर में क्या होगा, जितना भी उस किताब का रेट होगा उसी रेट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, तो काउंट करेंगे, तब हम लोग का अपना रियल जीडीपी पता चलेगा। तो जो प्राइस है वो 10 बुक का 10 था, है ना, एक बुक का 10 रुपया था। तो इस तरीके से ये एक किताब का दाम 2017 और 18, क्योंकि हम लोग इसको बेस मान के चल रहे हैं, तो इस साल में 10 रुपया था एक किताब का, तो 10 किताब का दाम कितना हो जाएगा, 100 रुपया। तो 2017-18 वाले में क्या हो जाएगा कि इसका दाम 100 रुपया था। अब क्या है कि जो ये 10 बुक है ना, तो बेस ईयर के हिसाब से जो 2017-18 है, 2021 में कितना हो रहा है, 100 रुपया। लेकिन इसका रेट क्या है, इस किताब का रेट 2021 में 12 रुपया है, लेकिन हम लोग इस 12 को नहीं कंसिडर करेंगे, 10 को करेंगे। जो बेस ईयर में हमारा रेट रहेगा उसी को कंसिडर करेंगे। मेरा बार बार रिपीट करने का मतलब यही है कि आप लोग अच्छे से ज्यादा समझे, है ना, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बेस ईयर में इसका दाम 10 रुपया था, आज के डेट में 12 रुपया है, तो हम लोग को 12 रुपये पे फोकस नहीं करना है, जो हमारा बेस ईयर में है वही दाम पे हम फोकस करेंगे, और उसी दाम पे हम लोग क्या करेंगे, तो अपना जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा रियल जीडीपी होता है, तभी जाकर हम लोग क्या कर पाएंगे, तो रियल जीडीपी निकाल पाएंगे, है ना। तो रियल जीडीपी के लिए बेस ईयर का प्राइस हम लोग को ये लेना पड़ता है, तब जाकर हमें पता चलता है कि रियली में जीडीपी क्या है हमारा, है ना। तो ये चीज हो गया नॉमिनल जीडीपी, और रियल जीडीपी में कुछ ऐसा होता है। अब क्या है कि यहाँ पे रियल जीडीपी जो है वो हमारा इन्फ्लेशन से अफेक्ट नहीं होता, मतलब बोले तो ये रियल जीडीपी जो है वो इन्फ्लेशन से अफेक्ट नहीं होता है ना। रियल जीडीपी को इन्फ्लेशन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसके बेस प्राइस देखना है, बेस ईयर में क्या रेट था उससे मतलब है, कितना बढ़ा है कितना घटा है उससे कोई मतलब नहीं, है ना। इसका मतलब है कि रियल जीडीपी जो है वो इन्फ्लेशन से अफेक्ट नहीं होता है। तो रियल जीडीपी वो क्या एक्सप्रेस करता है, तो एडजस्टिंग इन्फ्लेशन वैल्यू जो है वो क्या किया है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया है। ये रियल जीडीपी एक वैल्यू को दिखाता है ना, इन्फ्लेशन जहां पे एडजस्ट हो जाता है, यहाँ पे इन्फ्लेशन को ये इफेक्ट नहीं करता है, ये रियल जीडीपी जो है इन्फ्लेशन से कोई मतलब नहीं इसको, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है इन्फ्लेशन से, है ना। तो अब जो ये जीडीपी है इसको क्या बोला जाता है, इस जीडीपी को रियल जीडीपी, जहां पे हम लोग इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेते हैं, है ना, या फिर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन करते हुए जो हम लोग जीडीपी फाइंड आउट करते हैं वो रियल जीडीपी होता है। तो
तो बस हम लोग को माइंड में एक ही बात ध्यान रखना है कि रियल जीडीपी में क्या होगा, तो इन्फ्लेशन एक्सक्लूडेड होता है, इसको इन्फ्लेशन से कोई मतलब नहीं है, एडजस्टेड होता है इन्फ्लेशन। तो इन रियल जीडीपी वी टेक प्राइस ऑफ गुड्स, कौन सा प्राइस लेते हैं सामान का, तो जो उसका बेस ईयर में था, है ना, जिस ईयर को हम लोगों ने बेस ईयर माना है उसको, एंड आफ्टर कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के बाद जो भी क्या आता है, जो भी कैलकुलेशन के बाद मनी के फॉर्म में जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, रियल जीडीपी होगा। तो जीडीपी एक्सप्रेसिंग वैल्यू एट करेंट प्राइस, मतलब जो भी जीडीपी वैल्यू को एक्सप्रेस कर रहा है, अगर वो करेंट प्राइस पे कर रहा है वो एक्सप्रेस वैल्यू को, इसका मतलब है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉमिनल जीडीपी, है ना। करेंट प्राइस पे नॉमिनल जीडीपी होता है और बेस प्राइस पे क्या होता है, तो रियल जीडीपी होता है। ये ही बात हम लोग को यहाँ पे सीखना था, दो बातें, है ना, क्या, तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का बात, है ना, जो कि हम लोग तो क्लियर हो गया कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या फर्क है। तो नॉमिनल और रियल जीडीपी में लास्ट में हम लोग को कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि जो रियल जीडीपी है ना, रियल और नॉमिनल, तो इसको रियल जीडीपी बोलेंगे। तो ये रियल जीडीपी जो होता है वो बेस ईयर का प्राइस होता है ना, बेस ईयर प्राइस पे बात किया जाता है, और जो नॉमिनल जीडीपी होता है, जीडीपी, और ये नॉमिनल का मतलब होता है, नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, तो करेंट ईयर, करेंट ईयर प्राइस, है ना, जो अभी जो चल रहा है इस साल में प्राइस, उसको लिया जाता है। तो खैर ये चीज हो गया नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का बात, पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये, अब क्या है कि जो इन्फ्लेशन है वो हमारे नॉमिनल जीडीपी को अफेक्ट करता है, लेकिन ये रियल जीडीपी को, हमारा जो ये इन्फ्लेशन है वो अफेक्ट नहीं करता है। तो नॉमिनल जीडीपी जो क्या है, नॉमिनल जीडीपी है तो इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है इसमें, बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ, नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है और रियल जीडीपी में एडजस्टेड होता है, मतलब बोले तो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो एक्सक्लूडेड होता है, मतलब इन्फ्लेशन का बात यहाँ पे नहीं चलता, यहाँ पे इन्फ्लेशन का बात चलता है ना। अब है जीडीपी डिफ्लेटर, तो ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है मेनली इन्फ्लेशन को बताता है कि कितना इन्फ्लेशन है अभी, है ना। तो अब क्या है कि नॉमिनल जीडीपी बाय में रियल जीडीपी और इनटू 100 करते हैं तब जीडीपी डिफ्लेटर आता है, और जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो क्या बताता है कि अभी कितना इन्फ्लेशन है, हाउ मच इन्फ्लेशन इज, है ना। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या एक्सप्रेस करता है, तो अभी कितना यहाँ पे इन्फ्लेशन है इस चीज को बताता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें कि इज जीडीपी डिफ्लेटर एक्सप्रेस इन्फ्लेशन, इसका मतलब है कि जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो इन्फ्लेशन को एक्सप्रेस करेगा, हाँ, क्योंकि मेनली जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो इन्फ्लेशन को ही बताता है कि कितनी महंगाई है। तो इज जीडीपी डिफ्लेटर, अगला क्वेश्चन क्या है कि ये जो है इज जीडीपी डिफ्लेटर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन को मेजर भी करता है, मेजर करके बताता है, यस, है ना, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर ही है, जो है वो क्या करता है, तो महंगाई को बता रहा है, तो ये मेजर होगा इन्फ्लेशन का और साथ साथ ये इन्फ्लेशन को एक्सप्रेस करता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी क्या है, तो जीडीपी हम लोग जानते हैं कि ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का एक साल में और हमारे कंट्री में जो भी वैल्यू होता है वो जीडीपी होता है, है ना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी मॉनेटरी वैल्यू है हमारे देश में, है ना, हमारे कंट्री में जो एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं
उसका जो भी मॉनेटरी वैल्यू है वो जीडीपी होता है। किस चीज का? तो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज का, सिर्फ गुड्स का ही नहीं, यहाँ पे सर्विसेज का भी होता है। तो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो क्या देता है, तो इन्फ्लेशन का वैल्यू देता है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो सारे लेकर, वो सबको लेकर क्या करता है, तो हमारा ये एक इन्फ्लेशन का वैल्यू देता है ना, कि कितना इन्फ्लेशन है सबको यहाँ पे लेते हुए, है ना, क्या चीज लेते हुए, तो ये जो है गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज सबको लेते हुए इन्फ्लेशन को, इन्फ्लेशन का जो वैल्यू है उसको बताता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो कवर करता है जितने भी तरह का गुड्स एंड सर्विसेज होता है, हर रेंज, हर इंटायर जो है ना, एंटायर गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, ये कवर करता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो अब ये जीडीपी डिफ्लेटर का बात था, अब ये जीवीए जो है थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, तो खैर इस क्लास में अगर मैं बताने लगूं तो टाइम तो ज्यादा ही चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का जो लेक्चर है वो 40 मिनट का हो चुका है, तो इससे ज्यादा मैं करता हूं तो बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा। तो अभी शायद मैं इस लेक्चर में तीन ही चीज पे बात कर पाऊंगा, है ना, रियल जीडीपी, जीडीपी रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, और जीडीपी डिफ्लेटर पे बात अच्छी तरीके से कर पाए, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग को अगर समझना है सही ढंग से तो धीरे धीरे ही क्या करना होगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूपीएससी में रट्टा लगाने वाली बात कुछ होती नहीं, वहां पे आपको सिर्फ समझना ही है, क्योंकि वही समझ से ही आपको क्वेश्चन क्या है बनेगा, और वही समझ से ही आपका क्वेश्चन वहां पे डील हो पाएगा। तो इसलिए जो है हम लोग को मिली जो है कंसेप्ट को बिल्कुल बारीकी से समझना है, और क्वेश्चन बनाने समय अपने कंसेप्ट को फिर फॉलो करना है। तो इस तरीके से हम लोग इस लेक्चर में सीख पाए जीडीपी, ये जो है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, और जीडीपी डिफ्लेटर, है ना। तो रियल जीडीपी में हम लोग जाने कि क्या होता है, कि हम लोग जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वहां पे जो प्राइस होता है गुड्स और काम, वो बेस ईयर वाला होता है ना, और इसके बाद जो है ये नॉमिनल वाले में क्या होता है, इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है। तो ये चीज है, अब हम लोग इस क्लास में देख लिए, अब जो है इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, है ना, जहाँ पे हम लोग जीबीए से बात करेंगे। तो इस लेक्चर को हम यही पेंट करते हैं, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो बाय एंड टेक केयर।